अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन क्राफ्ट जी। आज किचन क्राफ्ट में मैं लेके आई हूँ पिज़्ज़ा डो की रेसिपी। देखते हैं डो बनाने के लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए। ये मैंने 2 कप मैदा लिया है, 250 ग्राम का 1 कप है, यानी कि ये 500 ग्राम बनता है। ये 2 टेबलस्पून जो है यीस्ट के जाएंगे, मैं इंस्टेंट यीस्ट इसमें यूज़ कर रही हूँ। 1/4 टेबलस्पून सॉल्ट जाएगा, 1 टेबलस्पून शुगर, 2 टेबलस्पून योगर्ट, दही, 1/2 कप नीम गरम पानी है। इसको चेक किस तरह आपने करना है कि आप इस तरह अपनी फिंगर इसमें डिप करेंगे तो वो आपको गरम नहीं महसूस होनी चाहिए, ल्यूक वार्म वाटर आपने यूज़ करना है। इसमें 4 टेबलस्पून ऑयल जाएगा, वेजिटेबल ऑयल में यूज़ कर रही हूँ, आप बटर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसमें वार्म मिल्क जाएगा 6 टेबलस्पून। तो सबसे पहले जो इसका स्टेप है, मैं अपने पानी में चीनी को और यीस्ट को मिक्स करके रख लूँगी। चीनी को हम लोग पानी में इसलिए मिक्स करते हैं क्योंकि ये यीस्ट के एक्टिवेट होने में हेल्प करती है। इसको मिक्स करके मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि यीस्ट जो है वो अच्छे से राइज हो जाए। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना। बहुत ज़्यादा गर्म पानी आपने नहीं लेना, अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी लेंगे तो भी आपकी यीस्ट अच्छे से राइज नहीं होगी और आपकी डो ख़राब हो जाएगी। पिज़्ज़ा डो बनाने की छोटी छोटी सी टेक्निक्स हैं जो आप फॉलो करते रहेंगे तो आपकी डो कभी भी ख़राब नहीं होगी और पिज़्ज़ा बहुत ज़बरदस्त बनेगा। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको हर किस्म की टेक्निक्स का पता चलता रहे जी। इसको अब मैं 10 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। तो जी, जब तक हमारी यीस्ट एक्टिवेट होती है, मैं बाकी चीज़ें अपने मैदे में मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ सबसे पहले मैं इसमें ये ऑयल मिक्स कर दूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, आपकी तरफ से मेरे लिए ये बहुत बड़ा इनाम है, बहुत ज़्यादा हौसला अफज़ाई मिलती है, बहुत बहुत शुक्रिया। सॉल्ट ये भी इसके अंदर डाल दूँगी और ये नीम गर्म दूध इसके अंदर डालूँगी और इसको मिक्स करते जाएंगे। हमने एक्चुअली इसके क्रम्स बना लेने हैं मैदे के। अब ये मैं अपने दही इसके अंदर ऐड कर दूंगी। यही छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हम लोग एक दो चीज़ें कम या ज़्यादा यूज़ करते हैं जिसके साथ हमारी रेसिपी बहुत अच्छी बनती है। इन चीज़ों को लाजमी नोट डाउन रखा करें, जहन में रखा करें, आपकी रेसिपीज इंशाल्लाह ताला कभी भी ख़राब नहीं होंगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी हर चीज़ को। ये देखिए, आपने ऐसे मसलना है इसको, मैं देखो ना, इस तरह से आपने क्रम्स बनाने हैं इसके। ये देखें जी, आपका मैदा कुछ इस तरह की फॉर्म में आ जाना चाहिए जी। 10 मिनट गुजर चुके हैं, देखें यीस्ट का मिक्सचर कितना ज़बरदस्त राइज हुआ है। इसकी सिर्फ यही वजह थी कि हमारे पानी का टेम्परेचर जो था वो बिल्कुल सही था जो होना चाहिए। अब इसको मैं इस मिक्सचर में ऐड कर दूँगी मैदे वाले में। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स करना है। ये आपका कुछ इस फॉर्म में आपकी ये डो होनी चाहिए। अब नेक्स्ट जो स्टेप है मैं आपको बताती हूँ जी। नेक्स्ट आप इस तरह से खुला बर्तन ले लें या आप अपने काउंटर पर भी ये काम कर सकते हैं। इस तरह से इस पर आपने खुश्का डस्ट करना है। ये मैं मैदा ही यूज़ कर रही हूँ, वाइट फ्लावर। अब ये मैं अपने हाथों पर भी अच्छी तरह से इस तरह से मैदा लगाऊँगी और अपनी डो को निकाल के इसके अंदर रखूंगी। ये देखिए, ये सॉफ्ट है लेकिन इतनी स्टिकी नहीं है कि ये आपके हाथ में ना आए, आपके हाथ में भी ये बहुत आराम से आ रही है। इसी तरह से आपने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। इसके ऊपर थोड़ा सा खुश्का डस्ट करेंगे और अब इसको इस खुश्के में इस तरह से रोल करूंगी मैं। साथ साथ साइडों पर मैं खुश्का डालती जाऊंगी। ये अब जो स्टेप है, जो डो का मेन स्टेप है वो ये है कि आपने इस डो को इस तरह से स्ट्रेच करना है। 4 से 5 मिनट तक आपने ये स्टेप करना है। इसको अच्छी तरह से ये स्ट्रेच करते जाएं, साथ साथ और खुश्के की ज़रूरत है तो वो ऐड करते जाएं। ये देखें,
इसको 3 से 4 मिनट के लिए इस तरह स्ट्रेच करें। ये 3 से 4 मिनट के लिए मैंने अपनी डो को अच्छी तरह से स्ट्रेच कर लिया था। तैयार हो जाने के बाद डो आपकी इस तरह होनी चाहिए कि आप इसको इस तरह प्रेस करें। ये देखें, ये इस तरह से होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा स्टिकी होनी चाहिए और ना बहुत ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए। तो अब इसको मैं एक एयर टाइट कंटेनर में ग्रीस करके छोड़ दूंगी। जी मैंने ये एक एयर टाइट कंटेनर लिया है। अगर आपके पास एयर टाइट कंटेनर नहीं है, आप किसी और बाउल में ये काम कर सकते हैं। उसको ऊपर से अच्छी तरह से कवर कर दें प्लास्टिक रैप से या किसी प्लेट से। इसको मैं ग्रीस कर लूँगी अच्छी तरह से इसकी वॉल्स को, बेस को, ताकि जब डो राइज हो तो इसके साथ चिपके नहीं। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको ग्रीस कर लिया है। अब मैं अपनी डो उठाऊंगी और इसके अंदर रख दूंगी। इस तरह से मैंने अपने हाथों पे ऑयल लिया है ताकि मैं डो को अच्छी तरह से ग्रीस कर सकूं। इसको ग्रीस करना इसलिए ज़रूरी है कि जब ये राइज होगी तो इसके ऊपर जो है वो खुश्की की तय ना जम जाए। ये देखिए दीवारों पे भी अच्छी तरह से ऑयल लग चुका है। ये आप देख सकते हैं इसका साइज़। और एक घंटे के बाद मैं आपको इसका साइज़ दिखाऊंगी। इंशाल्लाह ये 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 4 गुना राइज होगी। ये इसको कवर करके मैं काउंटर पे ही छोड़ दूंगी, क्योंकि आजकल गर्मियां हैं। अगर मौसम थोड़ा सा ठंडा हो तो आप इसको ओवन में या माइक्रोवेव में रखेंगे। अब 1.5 घंटे के बाद मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। ये देखें जी 1.5 घंटे के बाद आप इसको देख सकते हैं, माशाल्लाह कैसी ये ज़बरदस्त राइज़ हुई है। मैंने आपसे कहा था हम इसे 1 गुना नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 गुना राइज़ करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैं आपको ओपन करके भी दिखाती हूँ कितनी माशाल्लाह ये ज़बरदस्त राइज़ हुई है। ये चेक करें, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त डो बनी है। इस तरह से आप डो बनाए हो ही नहीं सकता कि आपका पिज़्ज़ा कभी भी ख़राब हो। ये देखें वाह ज़बरदस्त, बहुत अच्छी डो बनी है, ज़रा भी नहीं चिपकी किनारों के साथ, कोई इसका मसला नहीं हुआ। ये देखेंगे आराम से मेरे हाथ में भी आ गई है। अब इसको मैं पंच करूँगी और पंच करने के बाद इसके मैं पेड़े बना लूँगी। ये डो आपके 2 स्मॉल साइज़ और 1 मीडियम साइज़ पिज़्ज़ा के लिए इनफ है। ये देखिए इसका पेड़ा किस तरह से बनाया जाता है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप खुश्का डस्ट करेंगे, डो यहाँ रखें और इसको इस तरह से घुमाएं। ये जी आपका पिज़्ज़ा बनाने के लिए रेडी है।